हेलो अम्मी। भाई क्या कह रही थी अम्मी? भाई सॉरी कह रही थी। फिर फोन काट दिया। कौन ये किधर रहता है? कौन ये लड़की? वे सरदार खान, तबीयत ठीक है तुम्हारा? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? तुझे रोजाना जो एसएमएस करता है। सॉरी कहने से जख्म थोड़ी भर जाते हैं। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। आपा अगर सबको पता चल गया तो कोई हमसे शादी भी नहीं करेगा। ये किसने कहा तुम्हें? बुआ ने। आखिर तुम कब तक मेरे सब्र के इम्तिहान लेती रहोगी? मैं तुम्हारा वो इम्तिहान हुआ सर जिसमें तुम फेल हो गए हो। मैं कल ही बाबा से बात करके अपने घर चली जाऊंगी। इन्होंने मुझे मारा या नहीं? एक मिनट अजर, तुमने हाथ उठाया सामिया पर? जी। क्यों? बाबा आप कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं। क्या हुआ? सामिया घर जा रही है। क्यों? अजर भाई ने उसे मारा है। ओह माय गॉड। उल्लू का पट्ठा मेरी गाड़ी ले गया और अपनी गाड़ी की चाबी जेब में डाल के ले गया। आई नो वेरी वेल कि अजर ने ये सब कुछ सिर्फ जानबूझ के किया है। अलेश्वर प्लीज कैब को कॉल कर दो मेरे लिए। सामिया बेटा, सुबह सुबह मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और उसके बाद वहीं से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, एक रात यहां गुजार लो प्लीज। उसे मेरे वजूद से नफरत है, मैं छोड़ दूंगा उसे। छोड़ा है उसे? नहीं, आज रात के लिए वो रुक गई है। वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। कैसे? 6-7 दफा ऐसे ऐसे घूमो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि चक्कर कैसे आते हैं। बाबा इससे ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। क्या? क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे मेरे वजूद से नफरत है, मैं छोड़ दूंगा उसे। बच्चे वाली बातें मत करो। मैंने बहुत सोचा, ये शादी अब नहीं चल सकती। ठीक है, देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो पर ये फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। तो क्या करूं बाबा? 100 बार तो उससे माफी मांग चुका हूं मैं, थप्पड़ खा चुका हूं मैं, पूरे खानदान के सामने जलील हो चुका हूं मैं, और क्या करूं? तो ऐसी ग्रीवी हरकतें करते क्यों हो और पकड़े भी जाते हो? तो शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी। हम बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कल अगर आप लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं खुद उसे उसके घर पे छोड़ कर आऊंगा। उसकी तबीयत खराब है, कल तुम खुद उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, समझ गए? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पे तो पैसे ही नहीं लिखे। हो सकता है वो आपसे डिस्कस करने के बाद लिखें। हो सकता है। अच्छा तुम जाके सामी के पास लेट जाओ। आपा वो तो सो चुकी हैं। ठीक है, मगर मेक श्योर के आ जा, तुम उसी के साथ सो। ठीक है? ओके। लिशपा कल मुझे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट वैस को देना है। तुम बाबा के साथ सामी को हॉस्पिटल ले जा सकती हो? जी ले जाऊँगी। थैंक्स। अब जाओ, जाके सो जाओ। ओके मैम।
गुड नाइट। अबे क्या कर रहा है यार? यार नींद नहीं आ रही तो आ जाऊं, गपशप लगाते हैं बैठ के। इस वक्त मुन्नू से बात करोगे तो दिल हल्का हो जाएगा थोड़ा। मुझे कोई तुमसे बात करके दिल हल्का नहीं करना। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुन्नू तो जाके सो जाएगा, मैं तो दोस्ती की खातिर आया था। थैंक यू सो मच, और अब आप ये तांकना झांकना बंद ही कर दें। अच्छा सर, सो जाओ। अरे अब क्या हो गया? सोता क्यों नहीं है? फायदा की याद आ रही थी ना मुझे। अरे उसका पीछा छोड़ दे, कमबख्त शादी हो गई है उसकी। पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब। चिमगादड़ की वाला, सो जा चुप करके। बिस्तर बिछा नहीं सकती थी क्या मेरा तू? सो जा। Yes. बाबा चलें? हाँ बेटा चलो। बाबा वो भाभी ने तो सूटकेस भी रेडी कर लिया है। अच्छा, क्या कहूँ मैं उससे, कैसे समझाऊँ इन दोनों को? देखना एक रोज बहुत पछताएंगे। भाई भी बेचारे सारी रात जागे, फिर सुबह सुबह आपा को छोड़ने चले गए। हाँ उबैस के साथ मीटिंग थी ना आज आपा की। हाँ वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह पढ़ा था जी। सुबह भाई के साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी उनकी। चलो वो आ गई, चल। सॉरी बेटा, चले जी। आओ बेटा। सामिया ये सामान तुम अभी से साथ ले जा रही हो? मेरा मतलब है बाद में ले जाना, क्या डॉक्टर के यहाँ से वापस घर नहीं आओगी? नहीं बाबा, मुझे अब वहीं से घर छोड़ दीजिएगा। देखो सामिया, बेटा तुम्हें पता है कि हमारे इस घर पे कितनी मुसीबतें आन पड़ी हैं। अब तुम भी हमें इस तरह छोड़ के चली जाओगी तो हम तो बिल्कुल तनाव हो जाएंगे बेटा। आराम से, ठंडे दिल से। मुझे पता है कि तुम इस वक्त गुस्से में हो बाबा। आपके कहने से इस वक्त रुक जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, क्या फायदा? जो कल होना है वो आज ही हो जाए तो बेहतर है। ठीक है बेटा, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। भाभी प्लीज रोएं तो मत। बेटा सामिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी बेटी हो। सिर्फ एक बार उस उल्लू के पट्टे को माफ कर दो, तुम देखना सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेगा। बाबा प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आज के बाद इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। ओके ठीक है, मैं डॉक्टर के बाद तुम्हें तुम्हारे घर उतार दूंगा तुम्हारे सामान के साथ। आराम से, तहम्मुल से अपने घर पे बैठ के फैसला करना। ओके रिलैक्स, आओ आओ बैठो गाड़ी में, आ जा शाबाश। कंग्रेचुलेशंस लिया। थैंक यू। शो कब शुरू होगा? मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह इन अ वीक्स टाइम शुरू कर देंगे काम। Great. Wardrobe का आप देख लेना please. I'll take care of everything. I'll take care of the wardrobe as well. But please, next time नाराज मत होइएगा. I'm really sorry about that. It's just that गलती तो आपकी थी ना, 2 घंटे आपने मुझे वेट कराया। I'm sorry.
एक और चीज़, आई होप आपको कल वाली बात ज़्यादा बुरी नहीं लगी होगी। आई सर, आई एम सॉरी, अंडरस्टैंड, मैं गलत था। अच्छा, आई शुड गो, भाई वेट कर रहे हैं। लेट्स कॉल हिम अपस्टेयर्स। सॉरी, नीचे पार्किंग नहीं मिल रही। आई मेक श्योर ही मीट्स यू सम अदर डे। गुड इनफ, गुड इनफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हाँ, एक और चीज़, परसों मोस्ट प्रोबेबली आई विल गिव यू अ कॉल, और कोई भी आपको कॉल कर देगा। वी हैव अ मीटिंग विद द राइटर, तो आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, राइट? आई'd लव दैट, थैंक यू सो मच। यू टेक केयर, प्लेजर, बाय बाय। यार चुप हो जाओ दादी, अब रोने से कोई फायदा होगा क्या? हमें किसके सहारे छोड़ गई, अब तो बहू बेगम भी घर छोड़ के चली गई, किसकी नजर लग गई इस घर को। चुप हो जाओ यार, रोने से कुछ होगा क्या? अरे कैसे ना रो, घर की मालकिन जो हमें छोड़ के चली गई। चुप हो जाओ दादी यार, चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है यार। सुन मुन्नू, अब मेरा यहाँ ज्यादा दिन गुजारा नहीं है। मैंने यहाँ इतने साल बाई की वजह से गुजार दिए, वरना साहब हमें ज्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? हम इधर की उधर से लगा देते हैं। वाह रे दादी, तुम्हारा भोलापन। अब इधर की उधर मत लगाना, किसी ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना तो मुन्नू के एक्टर बनने का चांस खलास। तुझे अपनी एक्टिंग की पड़ी है, और यहाँ हमारी 30 साल की नौकरी खतरे में है। मैं एक्टर बन गया ना, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अच्छा बंगला लेंगे तारिक रोड पे। ये तू ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब ना देखा कर, चल मेरी टांगे दबा। कल गले में भी तो दर्द हो रहा था। तेरे एक ऐसा हाथ लगाऊंगी, दबा मेरी टांगे। लगता है बाबा और लिशपा नहीं आए। भाई कुछ खाएंगे? मैं आपको कुछ बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है भाई, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऊपर लेटने के लिए। You know, son-in-law, you're a very lucky man. किस्मत तो तुम्हारी अब बदलेगी। आज से देविका भी तुम्हारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, इसकी खुशियां भी तुम्हारी, और इसके 500 मिलियन पाउंड भी तुम्हारे। Have fun, sonny. सामिया? सामिया भाभी अभी डॉक्टर के पास गई थी। कैसी तबीयत है उसकी? अब तो उनकी तबीयत कई दिनों तक ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ के बाद मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूँ। ये क्या किया तुमने अजहर? मेरी सारी खुशियाँ छीन ली तुमने और उस लड़की ने। वैसे शादीशुदा भी है? हैप्पीली मैरिड।
सारे अच्छे लड़के या तो शादीशुदा होते हैं या फिर उम्र में बड़े होते हैं। ये मिठाई को क्या हुआ? क्यों, क्या खराब हो गई? क्या खराब नहीं हो गई दादी, 800 रुपए की मिठाई थी, 10 मिनट में कौन खा गया ये? आपका रेडियो शो आजकल रोज स्किप हो रहा है यार, मजा ही नहीं आ रहा मुझे इस शो में। तो आप तो कहती थी मैं रेडियो शो कभी नहीं छोड़ूंगी। Thank you.